जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2022 बुधवार का दिन है। अश्विन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है और दशमी तिथि 12:01 और 3 सेकंड तक रहेगी। आज चंद्रमा मकर राशि में स्थित है और 14 डिग्री पर विद्यमान है। आज श्रवण नक्षत्र है और नक्षत्र 21:16 और 20 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। दर्शक, आज हम त्योहार की बात करें तो आज दशहरा भी है, आज दुर्गा विसर्जन भी है। दर्शकों, आज का राहु काल 12:15 और 8 सेकंड से 13:43 और 39 सेकंड तक रहेगा और राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं। आज का अभिजित मुहूर्त 11:52 से 12:38 तक रहेगा और अभिजित मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं, आज बुधवार है इसीलिए बुद्ध का रत्न पन्ना धारण अवश्य कर सकते हैं। दर्शकों, एक छोटा सा आज आपको उपाय अवश्य करना है जो आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य दिलवाएगा। आज बुधवार का दिन है, चंद्रमा का नक्षत्र है, इसीलिए आज भगवान गणपति को थोड़ा सा दूध अर्पित अवश्य कीजिए। यानी आप शिवालय में जब जाते हैं तो वहां पर गणपति भी होते हैं, तो गणेश जी को आज शिव जी के साथ साथ थोड़ा सा दूध आप गणेश जी को भी चढ़ाइए। मात्र इतना सा उपाय आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य दिलवाएगा। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, का नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से प्रथम का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:21 और 5 सेकंड पर कन्या लग्न बन रहा है। कन्या राशि के अंदर ही शुक्र है, बुध है और सूर्यदेव है। तुला राशि में केतुदेव है, मकर राशि में शनिदेव और चंद्रमा है, मीन राशि में बृहस्पति है, मेष राशि में राहु है तथा वृषभ राशि के अंदर मंगलदेव है। यह आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। दर्शकों, आरंभ करते हैं मेष राशि से। उससे पूर्व यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो उसके आधार पर जो आपका लग्न बनता है आप वह फलादेश फॉलो करेंगे और यदि आपको आपका लग्न नहीं पता है तभी आप अपने प्रचलित नाम से जो आपकी राशि बनती है आप वह फलादेश फॉलो करेंगे। आरंभ करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों से। आज का दिन आपका अच्छा है, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति भी होगी। कार्यक्रम ऐसा बनेगा कि आज आपको अपने पराक्रम को दिखाने का मौका भी मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता आज आपको अवश्य प्राप्त होगी। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा आपको भाग्य का साथ लेने नहीं देगा। कार्य में कहीं ना कहीं लापरवाही आज आपकी रहेगी और जो मेहनत आज आप कर रहे हैं उसका फायदा आपको नहीं किसी और को मिलेगा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मन आपका थोड़ा उदास रहेगा, धन को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, परिवार को लेकर भी थोड़ी चिंता रह सकती है। इसीलिए आज का दिन ज्यादा सोच विचार करने का नहीं है, शांति से आज के दिन को बिताइए, अच्छे दिन का इंतजार कीजिए, आपको मौका फिर मिलेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आप मन से प्रसन्न भी रहेंगे, दूसरे लोगों से आज आपके संबंध बेहतर भी होंगे, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। आज आप अपने कार्य को बहुत ही प्रभावी ढंग से करने में कामयाबी अवश्य होंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर आपको चलना है। आज खर्च की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। अगर शुगर के पेशेंट है तो आज अपना शुगर लेवल जरूर चेक कीजिए और यात्रा पर कहीं जा रहे हैं तो अपने धन को संभाल करके रखिए। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको चंद्रमा थोड़े से मन के अंदर ऐसे विचार देगा जो आपको थोड़ा विचलित करेंगे। आज ओवरथिंकिंग आपको नहीं करनी है और जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार से अपने आप को दूर जरूर रखना है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रबंध करेंगे जिससे आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो। आज आपके लिए दिन अच्छा है और जो कार्य भी करेंगे उसमें आसानी से सफलता भी अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठ करके आपको मेहनत के परिणाम भी दिलाएगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा और कहीं घूमने फिरने जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन वाणी को सही में प्रयोग में लीजिए। आज पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिए, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है और आज डिप्रेशन की भावना भी आपके ऊपर हावी हो सकती है।
मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा शांति से आज के दिन को बिताइए। ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, मन को आज भटकने मत दीजिए, एकाग्रचित होकर कार्य कीजिए तथा अपने पार्टनर्स के साथ में आज थोड़ा से संबंध बेहतर रखने की कोशिश कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन खर्च की अधिकता होगी, पैसे के लेन देन सावधानी से रखने हैं। आज कहीं उधार दिया तो वसूल नहीं होगा, और यदि आज अपनी जेब में भी आप पैसे कम रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आज जितने पैसे आपकी जेब में हैं, कोई कारण ऐसा बने कि वो खर्च हो जाएं, इसकी संभावना बनती है। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको चंद्रमा अकस्मात लाभ के अवसर देगा। संतान को लेकर के भी कुछ सुखद समाचार आपको मिल सकता है। आज यदि इन्वेस्टमेंट आप कहीं करने जा रहे हैं तो वो आपका सार्थक रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मन को आज ज्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ने देना, इस बात का ध्यान आज आप जरूर रखना। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है, और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।